चलिए अब देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। ये एक स्फीयर है, मान लीजिए मेटल का बना हुआ है, सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। चार्ज को तो बाहर के सरफेस पे ही रहना है, बाहर के सरफेस पे रहना है तो सॉलिड हो या हॉलो सो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया तो उतना ही अवेलेबल रहेगा। इसकी रेडियस सपोज कैपिटल आर है, इसको हमने चार्ज दे रखा है प्लस के, पॉजिटिव चार्ज जो इसके आउटर सरफेस पे रिसाइड कर रहा है। अच्छा, इसकी सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा? तो डिराइव किया था ना मैं फॉर्मूला। हाँ, उसके लिए क्या होता था, जो भी स्फीयर के पास चार्ज होता था वो हम अज्यूम कर लेते थे कि वो उसके सेंटर पे प्रेजेंट है एज अ पॉइंट चार्ज, और सरफेस के पॉइंट और बाहर पॉइंट के लिए, बाहर के पॉइंट के लिए उसी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकाल लेते थे। तो चलो एक बार इसका पोटेंशियल लिख देते हैं, इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना हुआ, ये जो स्फीयर बना लिया है इस स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल से भी, ये हो जाएगा 1/4πε0 स्पेस स्टोर्ड चार्ज अपॉन आर, ये इसका पोटेंशियल हो गया। अब कैपेसिटेंस की डेफिनेशन याद करें तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होनी चाहिए, क्यू अपॉन वी, जहां पे क्यू है स्पेस स्टोर्ड चार्ज और वी है इसका पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी कि ये चीज। तो अगर मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, तो फ्रॉम वन एंड टू सी कितना हो जाएगा, कभी क्यू को तो क्यू रहने देंगे, नीचे वैल्यू रख देते हैं 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर, और ये क्यू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये टर्म ऊपर चला गया, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, तो सी की वैल्यू मिल गई हमारे पास, कितनी मिल गई सी की वैल्यू, 4πε0 r। हमने ऐसा माना है कि ये स्फीयर कहां पे प्रेजेंट है, वैक्यूम में या एयर में, क्योंकि एयर और वैक्यूम के लिए हम एप्सिलॉन नॉट की एक ही वैल्यू यूज करते हैं, वन यूज कर रहे हो, सॉरी पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वन यूज कर रहे होते हैं, या वैक्यूम लिखा हुआ है, तो के की डेफिनेशन से के और एप्सिलॉन मीडियम और एप्सिलॉन नॉट के रिलेशनशिप से एप्सिलॉन एयर भी इतना ही होगा अगर हम के को वही ट्रीट करते हैं एयर के। तो अब क्या हो गया, ये कैपेसिटेंस हो गई इस आइसोलेटेड स्फीयर की। हम कह रहे थे कि कैपेसिटेंस जो है किस चीज पर डिपेंड करती होगी, साइज पर डिपेंड करती होगी, तो आप देख रहे हो रेडियस पर डिपेंड कर रही है। ये पैरामीटर कांस्टेंट है, कहा था नहीं डिपेंड करती क्यू पे, कितना चार्ज स्टोर्ड है गायब, कितना पोटेंशियल है नहीं है, अब किस पर डिपेंड कर रही है, एयर या वैक्यूम में प्रेजेंट है, तो फिर ये तो कांस्टेंट है। मीडियम में जाएंगे तो ये टर्म चेंज होगा, हमारे पास मीडियम का लाना पड़ेगा हमारे को। तो अभी अगर हम एयर या वैक्यूम में बात करें तो सिर्फ एक ही पैरामीटर पर डिपेंड कर रही है, वो आर है, यानी कि स्फीयर के लिए उसकी कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गई। यही अगर हम कोई और मीडियम में होते तो उस मीडियम में सपोज सीएम होती कैपेसिटेंस, तो हम यूज कर रहे होते 4πε0 k इंटू आर। आप देख रहे हैं कि ये k टाइम्स ऑफ सी हो गया, इसे सी वैक्यूम का समझ लो या एयर का समझ लो, तो मीडियम में कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गई। ये मैं कह रहा था आपसे कि अगर आप मीडियम में रखोगे तो क्या होगा, मीडियम का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली उसी प्रोपोर्शन में कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी इन कंपैरिजन टू दैट इन एयर और वैक्यूम। तो ये कैपेसिटेंस अब के टाइम्स हो गई है। पहले भी आपको के की डेफिनेशन सिखाई थी, मैथमेटिकल डेफिनेशन थी, आपको कहा था एक डेफिनेशन के की कैपेसिटर में भी बनेगी, तो वो इसी फॉर्मूले से बनती है। वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, के इक्वल्स टू अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो ये हो गई, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर इन अ मीडियम टू दैट इन एयर और वैक्यूम इज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम इन विच द स्फीयर इज प्लेस्ड। तो ये के की एक और डेफिनेशन बन जाती है यहां से, ठीक है। तो एक बार फिर से देख ले, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर में हमने क्या किया, मान लिया कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, इसके पास क्यू चार्ज है, इसकी रेडियस आर है, तो इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना हो गया, इतना हो गया। इसकी कैपेसिटेंस डेफिनेशन से किसी के लिए भी आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए क्यू बाई वी होती थी, तो वो क्यू बाई वी हो गई, वी की जगह वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सिंप्लीफाई किया, तो ये रिजल्ट आया।
कहा अगर वैक्यूम की जगह सराउंडिंग मीडियम कोई डिफरेंट होंगे तो उसके के से एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट के से दैट इज एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है ना। तो आइसोलेटेड कंडक्टर की कैपेसिटेंस के बारे में हमें मालूम चल गया कितनी होती है। चलो अब हमने आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटेंस तो समझ ली, कैपेसिटेंस है, पहले कैपेसिटर समझ रहे थे उसकी भी कैपेसिटेंस होती थी, ये भी समझ में आ गया उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होती है, क्यों ज्यादा हो जाती है ये भी समझ में आया। अच्छा सोचो एक कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस एक फेराड है, मान लो एक फेराड है, कहा था बहुत बड़ा यूनिट होता है, तो सोचो उसके पास चार्ज कितना होगा। आप कैपेसिटेंस आइसोलेटेड स्फीयर की आपने लिखी थी सी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो कहा अच्छा आर कितना होगा देखते हैं, इसका रेडियस कितनी बड़ी चाहिए इस स्फीयर की, हमारे को कितना बड़ा या कितना छोटा स्फीयर चाहिए होगा, तो ये बन गया सी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 9 × 10⁻⁹, और कैपेसिटेंस 1 फैराड थी तो ये इतना आ गया। अब आर कितना हो गया, आर का कोई यूनिट भी होगा वो हम लिख दूंगे, क्या ये रेडियस ऑफ अर्थ मीटर में लिख दें, नहीं ये उस स्फीयर की रेडियस है जिस स्फीयर की कैपेसिटेंस 1 फैराड है आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर की, तो रेडियस तो मीटर में मेजर होगी, सब एसआई में सब्स्टिट्यूट किया है तो ये मीटर हो गया 9 × 10⁹ मीटर, छोटा सा ही तो है, कौन सा बड़ा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख कुछ ज्यादा हो रहा है लग रहा है, मीटर थोड़ा जो है छोटा यूनिट है, थोड़ा बड़ा लिख करके देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलो किलोमीटर कर दिया, इतने किलोमीटर कितने किलोमीटर हो गया यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख 10 लाख यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख 10 लाख 90 लाख किलोमीटर। अर्थ की रेडियस कितनी है 6 × 10⁻⁴ किलोमीटर, मतलब अर्थ से भी बड़ा आप स्फीयर लेकर के आओगे और कितना बड़ा रहोगे वो तो आप अंदाजा लगा ही पा रहे हो, तो उसकी कैपेसिटेंस बनेगी 1 फेराड। अब इतना बड़ा स्फीयर कहां से लाएंगे भाई, तो इसका मतलब आपको अंदाजा हो गया होगा कि फेराड कितना बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट हो गया फेराड, इसीलिए कहा था कि छोटे छोटे यूनिट यूज करेंगे, पीको फेराड, माइक्रो फेराड, उसमें भी आप देखो रेडियस बहुत बड़ी आएगी, और हम बेसिकली कैपेसिटर यूज करते हैं तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल तरीका अलग हो जाएगा कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का, हमारा फॉर्मूला भले इसके जैसा ही दिखेगा हमारे को कि C equals to Q by V ही दिखेगा उसमें भी, लेकिन वहाँ Q और V का मीनिंग अलग हो जाएगा हमारे पास, वो हम समझेंगे आगे। तो अभी हमारे को ये समझ में आ गया कि 1 फेराड बहुत बड़ा है, अगर हमारे को 1 फेराड स्टोर कर 1 फेराड कैपेसिटेंस का स्फीयर चाहिए आइसोलेटेड स्फीयर, उसकी रेडियस तो भाई इतनी चाहिए, बहुत बड़ी रेडियस है, इतनी बड़ी रेडियस का स्फीयर कहां से लाएंगे आने से। अच्छा ठीक है, चलो समझ में आ गया कंडक्टर की भी कैपेसिटेंस होती है। कैपेसिटर का काम क्या था, काम तो उसका एनर्जी स्टोर करने का था, चलो टेम्पररी सही है, टेम्पररी बेसिस पे सही, पर एनर्जी स्टोर करने का काम था, तो क्या कंडक्टर में हमने चार्ज स्टोर किया तो उसके पास भी एनर्जी होगी क्या, बिल्कुल होगी जी, जब पोटेंशियल है तो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता था तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो चलो आइसोलेटेड स्फीयर के लिए बात करते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी की, कि आइसोलेटेड स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती होगी। अब ये एक आइसोलेटेड स्फीयर, इसके पास प्लस क्यू चार्ज, रेडियस इसकी कैपिटल आर, कैपेसिटेंस इसकी मान लो सी, जिसे आप चाहो तो 4 πε₀r लिख सकते हो, भी एयर या वैक्यूम में मान लो ऐसे। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं कि कैसे है क्या है, तो आपको बहुत बार ये लगन साली डेफिनेशन बार बार बताता हूं कि इन्फिनिटी से लाएंगे हम पैरामीटर को, आइडेंटिटी को, बॉडी को, चार्ज को, तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होगी या फोर्सेस होंगी उनके अगेंस्ट जो वर्क डन करेंगे दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लो इसके पास क्यू चार्ज है,
इसका पोटेंशियल कितना होगा? 1/4 pi epsilon naught Q/r हो गया इसका पोटेंशियल। अच्छा ठीक है भाई, तो इंफिनिटी से कुछ चार्ज ले आते हैं और इसके सरफेस पे ला करके और छोड़ देते हैं। तो इंफिनिटी से लिया और लेकर के आए और इसको दिया हमने कितना चार्ज, एक स्मॉल चार्ज दे देते हैं dq। अब जब dq चार्ज इसको देंगे तो इसका चार्ज, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है, वो नहीं जाएगा कि यार वो इसको रिपेल करेगा, फोर्सेस इधर लगा रहा होगा, उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, वही जो वर्क डन करेंगे हम वही इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो छोटा सा वर्क डन जो हम इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट करेंगे वो हो जाएगा वी डी क्यू। ये कंसेप्ट आप क्यू वी जो है वो एनर्जी होती है या पोटेंशियल एनर्जी होती है या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक वन में आपने उसको पढ़ा था अच्छे से समझा था, तो वहां की नॉलेज हमने यहाँ यूज कर ली। अब पोटेंशियल की वैल्यू रख दो तो dW कितना हो गया, dW equals to 1/4 pi epsilon naught r, एक ये q हो गया एक ये dq हो गया, तो यहां पे लिख देते हैं q dq। ये छोटा सा वर्क डन हो गया, अब ये छोटा वर्क डन थोड़ी चाहिए, सारा वर्क डन निकालना पड़ेगा, इसको चार्ज दिया है q तो फिर उस पूरे q के लिए वर्क डन निकालना होगा, ऐसे छोटे छोटे वर्क डन ऐड कर लेते हैं, एडिशन तो बचपन में सीखा था, एडिशन में कौन सा मुश्किल काम है। W इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught r कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी का हमारे पास समेशन है, q dq बन गया। कहा जब इसके पास कोई चार्ज नहीं था तब से स्टार्ट किया और जब तक इसके पास चार्ज q नहीं हुआ तब तक हम ऐसे ही छोटे छोटे dq dq चार्जेस ला करके इसको देते रहे, तो उन सारे वर्क डन का समेशन ये हो गया। और बाय डेफिनेशन इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अब जरा देखें ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, आर छूट गया, आर फिर से लिख दे 1/4 pi epsilon naught r, ये टर्म 1/c हो गया, इसका इंटीग्रेशन लिमिटिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद q² / 2 हो गया, अच्छा ऐसे लिख देते हैं q² / 2c। तो भाई ये हो गई इसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, इतनी पोटेंशियल एनर्जी इस स्फीयर के अंदर स्टोर्ड हो गई है, इस स्फीयर की कैपेसिटेंस ही, इस पे स्टोर्ड चार्ज ये, तो इसके पास इतनी एनर्जी स्टोर्ड है। अब हमने कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में देखा था बाय डेफिनेशन कैपेसिटेंस q/v होता था, तो क्या एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए सपोज सी को हटा लेते हैं, बिना सी के लिख के देखते हैं, यानी कि क्यू की जगह प्लेस कर देते हैं, सॉरी सी की जगह प्लेस कर देते हैं q/v, यहाँ पे q/v रखेंगे v ऊपर चला जाएगा, एक q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह आ गया ½ qv। अच्छा ठीक है, अगर यहां पे c को तो c रहने देते लेकिन q को यहां से सब्जेक्ट बना लेते, यानी कि q इक्वल टू cv और इस q की जगह cv रखते, तो q का स्क्वायर था c²v² बनता, एक c कैंसिल आउट हो जाता, तो हमारे पास क्या आ जाता रिजल्ट, हाफ तो रहता, यहां पे आया था c²v², एक c कैंसिल हुआ तो c बचा, लेकिन v² एज इट इज बचा था तो ½ cv². ये आइसोलेटेड स्फीयर के अंदर स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया कि उसके अंदर ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। अच्छा उसके अंदर स्टोर्ड है मतलब अंदर यहां पे स्टोर्ड है क्या, सरफेस पे स्टोर्ड है, कहां पे स्टोर्ड है, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किसी कैपेसिटर के लिए या कंडक्टर के लिए, चार्ज कंडक्टर के लिए या कैपेसिटर के लिए चार्ज होगी, एनर्जी कहां स्टोर होती है। तो अभी बस फॉर इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि इसकी एनर्जी जो है इसके सरफेस से लेकर के इंफिनिटी तक का जो वॉल्यूम है उस पूरे वॉल्यूम में स्टोर्ड है, हर जगह इसका पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल की हर जगह कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो इसका मतलब है बहुत बड़े रीजन में स्टोर्ड है। हम ये नहीं कह सकते कि ये एनर्जी सिर्फ इस सरफेस पे स्टोर्ड है, दिस इज स्टोर्ड इन द वॉल्यूम स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स सरफेस एंड गोइंग टर्मिनेटिंग अप टू इंफिनिटी। ठीक है,
तो अभी तो मेरी समझ में आ गया कि एक आइसोलेटेड स्फीयर है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, इतनी होती है, उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी होती है, ये होती है, ये कैपेसिटेंस बदल जाएगी अगर मीडियम बदल देंगे हम, रेडियस के तो प्रोपोर्शनल है, मान लो सेम स्फीयर को किसी दूसरे मीडियम में रखते हैं बिना उसका चार्ज चेंज किए तो भी हमें मालूम है कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी उसकी, हो जाएगी 4πε0kr, यानी इसका k टाइम्स हो जाएगा। अगर कैपेसिटेंस k टाइम हो गई तो क्या होगा, यहां से सोचा का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी तो यू भी बढ़ जाएगा ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज होगी तो शायद पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, जो नहीं चेंज हुआ है वो आपको बताया चार्ज नहीं चेंज किया है, इसको बस एयर या वैक्यूम से उठाया दूसरे मीडियम में रख दिया, ना किसी ने इसको चार्ज दिया ना किसी ने इससे चार्ज दिया, तो क्यू कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब है हमें ये वाला फॉर्मूला देखना चाहिए, अगर सी बढ़ गया इसका क्यू नहीं चेंज हुआ तो एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है ना, एनर्जी क्यों कम हो जाएगी, याद करो ना इसकी फील्ड का क्या होगा, सराउंडिंग मीडियम अगर इन्फिनिटी सॉरी एयर या वैक्यूम की जगह कोई और मीडियम हुआ तो फील्ड उसमें डिक्रीज कर जाती थी, अगर फील्ड होती थी एयर या वैक्यूम में ई तो मीडियम में हो जाती थी ई बाई के, फील्ड डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी फोर्सेस डिक्रीज कर देंगे, उस फोर्स का वर्कडन जो करोगे वो भी डिक्रीज कर जाएगा, और वही वर्कडन तो पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगी, तो हम इसे ध्यान रखेंगे।